ये गे है क्या? बात करूं या रहने दूं? कर लूं यार, क्या बोलूं, मतलब कैसे पूछूं कि ये गे है कि नहीं है? अरे यार, वो तो जा रहा है। अरे अरे अरे, रुको! क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, आप कंफ्यूज होते हैं कि सामने वाला जिसे आप देख रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, वो गे है या नहीं है, बाइसेक्सुअल है या नहीं है, मतलब कि लड़कों में इंटरेस्टेड है या नहीं है, ये चीज़ पता करना चाहते हैं? तो आपको आज के इस वीडियो में सोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि गाइस, कोई गे हो या बाइसेक्सुअल हो या स्ट्रेट हो, उसके माथे पे स्टिकर तो चिपका नहीं होता, उसके पे थप्पा तो लगा नहीं होता कि हाँ भाई, तू गे है, तू बाइसेक्सुअल है, तू स्ट्रेट है। होते तो सारे बंदे, होते तो सारे लड़के ही है ना, तो इसका पता कैसे चले कि वो, क्योंकि भाई लड़का लड़की में तो फर्क पता चल जाता है कि हाँ भाई, ये लड़का है, ये लड़की है, लेकिन गे बाइसेक्सुअल में पता नहीं चलता स्ट्रेट में कि भाई ये इंटरेस्टेड होगा या नहीं। ऐसे क्या होता है कि कई बार हम बात करते हैं उस बंदे से, बात करने का सोचते हैं, सोचते सोचते ऐसे ऐसे में अभी कहीं ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं या किसी कहीं जगह पर मिले हैं, तो उससे क्या होता है कि सोचते सोचते करूँ बात या नहीं करूँ, करूँ बात या नहीं करूँ, फिर हम नहीं करते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं कि काश बात कर ली होती। तो ये चीज़ का पता कैसे करें कि वो गे या बाइसेक्सुअल हैं या नहीं है, ठीक है? आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला, और 6 चीज़ें टोटली बताने वाला हूँ। उन 6 चीज़ों के थ्रू आप जान सकते हैं कि सामने वाला गे या बाइसेक्सुअल है या फिर नहीं है, ठीक है? तो नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, वो है तीन आइज डोंट ब्लिंक। आपको क्या करना है, आपको उसकी आंखों की तरफ देखना है सबसे पहले तो, और ये चीज़, ये ऐसा नहीं हो कि आप उसकी आंखों की तरफ देख रहे हैं और उसने ये चीज़ देख ली है इसलिए आपने यहाँ वहाँ कर लिया, आपको ये नहीं करना है, ये वो कर सकता है बट आप नहीं। तो आपको क्या करना है, उसकी आंखों में देखना है, और ध्यान रहे कि वो अगर देख भी लेना आपको आंखों में देखता हुआ, तो ये प्लस पॉइंट है, ठीक है? तो यानी कि अगर वो देखने लगा तो आप हटा ले आंखें, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप देखेंगे तभी वो सोचेगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है, उसके बाद क्या होगा गाइस, कि या तो वो आपको इग्नोर कर देगा है, या तो वो देखेगा आपको और फिर वो भी इधर उधर को आके कर लेगा, ठीक है? तो या तो वो अगर वो इग्नोर कर देता है तो आप तो सिंपल सी बात आप समझ जाएंगे, यानी कि अगर वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने इग्नोर कर दिया। जब वो देख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कि वो स्ट्रेट ही है, ठीक है? वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में बिल्कुल भी। और दूसरा पॉइंट ये आता कि अगर वो आपको भी देख रहा है, क्योंकि आप उसे देख रहे हो, और साथ ही साथ में जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हो तो वो फिर इधर उधर आके कर लेता है, वो फिर आपकी तरफ नहीं देखता है, इसका मतलब वो, उसको कहते हैं नजरें चुराना, ठीक है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो ये चीज नोटिस कर रहा है कि आप उसको देख रहे हो, इसी वजह से वो आपको देख रहा है और इधर उधर कर ले रहा है आंखें। तो ये चीज स्टेज प्लस पॉइंट है कि वो इंटरेस्टेड होगा आप में, तब आपको बार बार देख रहा है, इस चीज का ध्यान रखिए आप कि क्या वो आपको बार बार देख रहा है या बस एक बार देख के हटा दिया। अगर एक बार देख के हटा दिया तो इसका मतलब इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेट है, ठीक है? और या फिर वो नॉट इंटरेस्टेड है। और अगर वो आपको बार बार देख रहा है लेकिन आपके देखते ही वो इधर उधर कर ले रहा है, इसका मतलब चांस है कि वो गे या बाइसेक्सुअल है, यानी लड़कों में इंटरेस्टेड है। देखो, ये क्लियरली तो नहीं कह सकते बट इसका चांस है, ठीक है? आप दूसरे नंबर पॉइंट की बात करते हैं, वो है आस्क हिज फेवरेट एक्टर। जी हाँ गाइज, उसका फेवरेट एक्टर कौन सा है आप ये उसे जरूर पूछेगा। अगर बॉलीवुड में वो कहता है आयुष्मान खुराना, तो इस प्लस पॉइंट की वो इंटरेस्टेड होगा बॉयज में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं दोनों कि जो आयुष्मान खुराना का है वो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान मूवी उसने निकाली थी, जो कि गे लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी। तो ऑफ कोर्स अगर वो अपनी से कम्युनिटी को सपोर्ट करता होगा, ऑब्वियसली बात है, गे बाइसेक्सुअल होगा, तो उसको वो मूवी काफ़ी पसंद होगी और वो एक्टर भी। तो अगर उसका फेवरेट एक्टर आयुष्मान खुराना, तो इसके चांसेस है कि वो होमोसेक्सुअल होगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा पॉइंट है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं कि वो इंटरेस्टेड है बॉयज में या फिर नहीं है, ठीक है? बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 कि वो है अकेले में बात। आपको इस चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई लड़का है, यानी जो आपको, वो आपसे ज्यादातर अगर अकेले में बात करता है, लेकिन वहीं अगर आपके कोई दोस्त आ जाते हैं या कोई और आ जाता है तो वो आपसे बात नहीं करता आपके दोस्तों के सामने, बट जब आप अकेले होता है तो आपसे खूब स्माइल के साथ बात करता है, तो एक प्लस पॉइंट है कि एक तो अगर कोई स्माइल के साथ बात कर रहा है ना, अगर वो आपके साथ स्माइल के साथ बात कर रहा है, वो भी अकेले में, अगर आपका फ्रेंड नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो आप में इंटरेस्टेड होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, अगर क्योंकि दोस्तों के साथ वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि जब आप अकेले होते हैं, नोटिस कीजिए कि जब आप अकेले हैं तो अगर वो आता है आपसे, तो क्या वो बातें करता है आपसे खूब स्माइल के साथ, वो करना चाहता है, इस चीज़ को आपको खुद समझना होगा। अगर कोई आस पड़ोस में ही आपके रहता है और उसके ऊपर जानना चाहते हैं आप, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, वो है फीलिंग शाई। आपको ये ध्यान देना है कि वो आपसे शर्माता है क्या। शर्माना इट मीन्स कि क्या आपको देख करके वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे आपको लगे कि वो आपसे शर्माता है, मतलब कोई, या तो कोई बात बोलने में या फिर आपको देखने में, उस चीज़ को आपको नोटिस करना होगा कि क्या वो आपसे शर्माता है। ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि अगर वो आपसे शर्माता है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि वो आपसे, वो आप में इंटरेस्टेड है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अगर स्ट्रेट बंदे होते हैं तो वो नॉर्मली किसी भी लड़के से बात कर लेते हैं, बट अगर वो आपसे शर्मा रहा है कुछ चीज़ों पर, या तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आप में इंटरेस्टेड होगा। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, वो है गर्लिश बॉय।
ये सिर्फ उनके लिए है जो कि लड़के गर्लिश टाइप होते हैं। देखो गे जो होते हैं ना, इनमें कुछ लोग गर्लिश होते हैं, जैसे कि बॉटम्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द बॉटम्स आर गर्लिश एट ऑल। बट देखो गर्लिश होना कोई बुरी बात तो है नहीं, जो गर्लिश हैं तो हैं यार, खुल के ही रहो यार, इसमें क्या, पहली बात तो इसमें कुछ गलत बात है भी नहीं। और मैं दूसरी चीज़ ये भी कहता हूँ कि जो बॉटम्स होते हैं उसका मतलब गर्लिश बिल्कुल नहीं होता, कि सारे बॉटम्स गर्लिश होते हैं, बट कुछ बॉटम्स गर्लिश होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर वो गर्लिश लगता है आपको, गर्लिश इन द सेंस कि उसकी कुछ चीज़ें लड़कियों की तरह आपको लगती हैं, लाइक वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ वॉकिंग, ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर लड़कियों की तरह हैं तो इट मे बी, ध्यान दीजिए मैं श्योरिटी नहीं कह रहा हूँ, तो कुछ लोग अगर हैं तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैंने बोल दिया कि गर्लिश होना कोई बुरी बात है ही नहीं, क्योंकि यार अगर आप गे होने में एक्सेप्ट करते हैं खुद को, फिर तो गर्लिश होने में आपको एक्सेप्ट करना ही चाहिए, इसमें कुछ गलत ही नहीं है, ठीक है। बस मैं ये बता रहा हूँ ताकि आप लोग अंदाज़ा लगा सकें कि अगर वो गर्लिश है तो शायद चांस होगा कि वो गे बॉटम हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कि इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर सिक्स एंड लास्ट की बात करते हैं, वो है टचिंग बॉडी आपकी। आपको ध्यान रखना कि जो बंदा है अगर वो आपकी बॉडी को टच करता है बार बार, लाइक अगर शोल्डर पे, आपके कंधे पे हाथ रखता है, आपके हाथ को छूता है, अगर आपकी बॉडी कुछ ठीक ठाक है, लाइक डोले वोले, तो आपके डोले वगैरह को टच करता है, कुछ चीज़ें ऐसी करता है जो कि आपकी तारीफ करता है आपकी बॉडी की, कि ये चीज़ आपकी बॉडी में अच्छी है, ये चीज़, ये टच वच करता है आपकी बॉडी को, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट है आपकी बॉडी में, यानी आप में। तो ये 6 पॉइंट है, एंड ये 6 पॉइंट को पूरे फोकस में रखिए, पूरे ध्यान में रखिए, पूरे 6 पॉइंट हैं, और यही 6 तरीके हैं जिसकी वजह से आप लोग जान सकते हैं कि सामने वाला स्ट्रेट है या गे है या बाइसेक्सुअल, आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है। क्योंकि भाई सबके साथ माथे पे स्टिकर तो चिपका नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो वे एक तरीके कैसे जान सकते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप लोग ज़रूर इनको फॉलो कीजिए, और आप लोग 100% आई एम श्योर कि आप लोग जान पाएंगे कि वो स्ट्रेट है, बाइसेक्सुअल या गे, आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। चलिए इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।